ऐसे नहीं करता, ऐसे करता था कि ये वाली बार निकाले कर। ब्लैकी और ये ब्लैकी भाग इसके साथ। तो चलो बहुत बढ़िया, आ जा भाग के फिर से। ब्लैकी आओ ब्लैकी, चलो पकड़ो इसे, पकड़ो भागो। ऐसा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी भाई उसे। ब्लैकी आओ, इसके साथ खेल थोड़ा, इसे धक्का दे सिम्बा की तरह वैसे। हाँ काटेगा नहीं, वो खेलेगा खेलेगा उछलेगा वो, काटेगा नहीं, टेंशन मत ले। तो गाइस कन्हैया को थोड़ा डर लग रहता है कि कभी ये इसको काट ना ले, बट ये काटता नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें नहीं काटता मतलब। तो गाइस अभी हम लेके आए ब्लैकी के लिए खाना और इसको अभी खाना खिलाते हैं। खाने में प्रॉब्लम ये है कि ना तो ये दूध पीता, मतलब दूध के साथ रोटी देंगे तो दूध दूध पी लेगा, दही के साथ रोटी देंगे तो दही दही खा लेगा, और रोटी छोड़ देगा, ना चावल खाता ये, ठीक है, सिर्फ अंडे खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, या फिर लिक्विड में दूध पीता है बस। तो गाइस अभी फ़िलहाल इसको फीड करते हैं, इसका हम खाना लेके आए हैं। तो तकरीबन 1 किलो चिकन हम इसको एक बारी में फीड कर रहे हैं, उसके बाद भी इसका साइज़ आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है ये। वैसे भी 2 दिन चिकन खाने से कोई भी डॉग स्ट्रांग नहीं होता, पर हम 1 महीने के अंदर 10-15 दिन में फ़र्क आ जाएगा और 1 महीने के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका ब्लैकी खाना नॉन वेज है इसमें लगभग 1 किलो और चावल है, और वो ब्लैकी खोल रहा है कन्हैया, और ब्लैकी आ गया अपने खाने के पास तुरंत। और ये तो चालू है कि इसमें से सिर्फ नॉन वेज निकालने की कोशिश करेगा ये। फिलहाल ब्लैकी ने खाना खा लिया है, और इसमें मेरे को बस यही प्रॉब्लम लगती है कि खाना नहीं ठीक से खाता ये। अभी इसने चावल छोड़ दिए, चावल बिल्कुल नहीं खाए, बस जो चिकन के साथ थोड़े बहुत लिपट के चले गए वो इसके पेट में चले गए, नहीं तो चावल नहीं खाए इसने, सिर्फ चिकन चिकन खाया है। गाइस इस पूरे घर की है, पूरी जगह की है, अकेला ही देख रेख कर रहा है, और जब भी खुला रहता है पूरे टाइम गेट पर रहता है। जब हम आए थे ब्लैकी के पास में तो आपने देखा होगा पहले यहाँ पे पूरे में घास थी, बहुत लंबा बहुत बड़ा घास था, तो वो हमने कटवा दिया है। तो अभी हम जल्दी यहाँ पे पार्क टाइप का बनवाने की कोशिश करेंगे, और सारा घास देखो बहुत बहुत ही ज़्यादा घास था यहाँ पे, लगभग 1 साल पुराना होगा शायद, तो फिर इसलिए हमने सारा घास वहाँ से कटवा के यहाँ पे डलवा दिया है, और आज इसे भरवा के फेंकवा देंगे। इस तरह की साइड में जैसे टीन शेड लगी आगे से इसको कवर करा देंगे, पीछे की साइड ये जो खोर टाइप का बना हुआ है इसको बाद में तोड़वा देंगे यहाँ से, और इसको ऊपर से जैसे ये अभी एक लेयर है इस पर 2-3 लेयर करा देंगे ताकि हीट वगैरह ना हो, और पंखे वगैरह लगवा के या फिर कूलर यहाँ पे हम कैनल का सेटअप कर सकते हैं। कम बैक टू अनदर वीडियो, और आज हम लेकर आए हैं नई डॉग जो कि एक फीमेल रॉटवीलर है, इसका नाम है सोफी और ये 2 साल की है। अभी अभी हमने इसको बिठाया है गाड़ी पे, वैसे तो ये फ्रेंडली है हमारे साथ, आ भी गई है, आराम से बैठी भी हुई है, बट अभी आज इसका फर्स्ट डे है तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे साथ रह पाएगी या नहीं। इसके ओनर ने बताया है कि ये फ्रेंडली है डॉग्स के साथ, बड़े डॉग से डरती है, छोटे पिल्लों के साथ खेल भी लेती है। होपफुली अगर हम इसको ब्राउनी के साथ रखेंगे तो ये रह सकती है। तो लेके चलते हैं अभी इसको घर, कुछ खिलाते हैं, फिर इसको एक अच्छा वॉश देते हैं, देन लेट्स सी हाउ शी विल रिएक्ट। अभी हम सोफी को लेकर जा रहे हैं, आई गेस ये फर्स्ट टाइम ऐसे कार में बैठी है, वैसे तो उसने बैठते टाइम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, और अभी भी बहुत आराम से बैठ के जा रही है, सारी चीज़ें देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, एक बार भी भौंकी नहीं, ना कुछ ऐसे इसने एग्रेशन की है, बहुत ही शांत नेचर की लग रही है अभी तक सोफी। आई गेस हमें इसका नेम चेंज करना पड़ेगा इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जैसे हमारा रॉकी था उसी का ही थोड़ा सा बड़ा वर्जन है ये। आराम से बैठी हुई एकदम,
आज तक हम जितने भी डॉग्स लेके आए हैं वो हमें काफ़ी वर्स्ट कंडीशन में मिले हैं, गंदे बिना नहाए हुए। ये काफ़ी क्लीन है काफ़ी हद तक, बट स्टिल हम इसको घर जाके अभी नहलाएंगे एक बार। सोफी, इसको सिम्बा और टाइगर से भी मिलवाएंगे और लूसी से भी, शायद लूसी फीमेल है उसके साथ ही अच्छे से रह पाए क्योंकि इसका लूसी जैसा ही नेचर है। ये खाना खाते टाइम एग्रेशन करती है, खाना इसका आपस के सामने से नहीं उठा सकते, बट हम इसकी वो आदत भी चेंज कर सकते हैं अगर इसको हम पर ट्रस्ट हो जाएगा। हम इसको हाथ से खाना खिलाएंगे थोड़े टाइम तक अभी साथ में रख के, अभी मुझे भी इससे डर लग रहा है। वैसे हम कोई भी नया डॉग लेके आते हैं तो मुझे उससे ज़्यादा डर नहीं लगता, बट इससे मुझे अभी थोड़ा सा डर लग रहा है। जब ये मेरी तरफ देख रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुझे काट सकती है, बट जो इसका ओनर है उसने मना किया है कि ये काफ़ी फ्रेंडली है। उसने भी ये 3 months पहले ही लिए किसी और से, उससे पहले ही किसी और के पास थी, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है ये किसके पास थी। वैसे रॉटविलर मैंने इतनी शांत नेचर के देखे नहीं है अभी तक जो मैंने पाले हैं। जैसे रॉकी था, उसको तो मैंने बचपन से क्यूट बनाया था इसलिए वो ऐसा था, बाकी रॉटविलर थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं। लेट्स सी ये कैसी रहेगी। ओए ओए ओए, अच्छा मित्र कल पकड़ी ना जाए या हाइपर एक्टिव है ना किसी। ब्रूनो ब्रूनो, अभी तक हम तेरा नाम ही डिसाइड नहीं कर पाए। ब्रूनो, ब्राउनी या ब्लैकी, कालू तो एग्जैक्टली नॉट। इसकी आंखें देखो, इस टाइम दिखाई भी नहीं दे रही इसकी आंखें हैं या नहीं। नहा के अब चलते हैं मैडम के पास। मैडम अपना खुश है, मैडम पर मुझे लग रहा है चला के थोड़ी। तो गाइस अभी फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ और ये देखो इसमें यहाँ पे है चिंगू विंगू, तो कैसे बैठने हैं। तो आज हमने ब्लैकी को और सोफी को अलग अलग बांध के आ गए हैं हम दोनों, और फिर कल को जाके देखते हैं शायद उन दोनों की अच्छे से दोस्ती हो जाएगी क्योंकि मेल फीमेल आपस में लड़ते नहीं है। तो कल फिर आपको मैं उसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगा, फिलहाल इन दोनों को देखो कैसे बैठे हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।